ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कुछ दिनों की चुप्पी के बाद राजस्थान की सियासत में एक बार फिर बवाल मचने के आसार है। प्रदेश में हाल ही में जुलाई अगस्त में विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में सामने आया फोन टैपिंग का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। दरअसल पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच हाल ही में चली अदावत के दौरान दोनों गुटों की ओर से मीडिया में खबरें दी जा रही थी। उसी दौरान सचिन पायलट कैंप की तरफ से जैसलमेर के होटल में विधायकों के फोन टैपिंग के जो आरोप लगाए गए थे उसे लेकर अब सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर लोकेंद्र सिंह और संबंधित खबर को चलाने वाले एक नेशनल न्यूज के पत्रकार पर जयपुर के साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बता दे मामला 7 अगस्त का है जबकि मुकदमा 6 अक्टूबर को दर्ज किया गया है। ऐसे में सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि फिर से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बार गहलोत गुट ने पायलट समर्थक विधायकों को छोड़कर पायलट के मीडिया मैनेजर के साथ साथ एक पत्रकार पर आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया है। इतना ही नहीं, जयपुर पुलिस की साइबर थाने की टीम बिना सचिन पायलट की इजाजत के उनके सरकारी निवास में घुसकर उनके मीडिया मैनेजर का बयान लिया और उसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। साइबर थाने के SHO सुरेंद्र पंचोली का बिना पायलट से बात किए उनके निवास पर जाना, बयान लेना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि पायलट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि SHO पर ऊपर से कोई दबाव रहा होगा। मिली जानकारी के अनुसार मामला पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात एक ड्यूटी अफसर ने दर्ज करवाया है। FIR में लिखा है कि अफसर 6 अगस्त को कंट्रोल रूम में ड्यूटी कर रहा था। ऐसे में राजस्थान सरकार के ऊपर पुलिस द्वारा टेलीफोन टैपिंग करने के आरोप सुनकर उसे इतना बुरा लगा कि उसने साइबर थाने में जाकर मुकदमा दर्ज करा दिया। वहीं साइबर थाने ने सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर व खबर चलाने वाले पत्रकार शरद कुमार शर्मा को दोषी मानते हुए विधायकपुरी थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। इस मामले की जांच विधायकपुरी थाने के CI ओम मतवा को दी गई है। मतवा का कहना है कि हमारे पास तो कार्रवाई के लिए भेजा गया है और कहा गया है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे, बाकी इसके बारे में ऊपर के अधिकारी बताएंगे। इस मामले को लेकर BJP प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। पुनिया ने कहा कि लोकतंत्र पर खतरे की बड़ी बड़ी बातें करने वाले अशोक गहलोत जी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के दमन पर उतर आए हैं। पुनिया ने कहा इसका एक कारण यह भी है कि विगत दिनों पत्रकारों ने वंचितों और अबलाओं की रक्षा के लिए आवाज बुलंद की है। सरकार का यह कृतित्व विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसा ही होगा। बता दे कि सचिन पायलट पर स्पेशल SOG ने मुकदमा दर्ज किया था जिसके अंदर सचिन पायलट को देशद्रोह के मुकदमे के तहत नोटिस दिया गया था, जिसके बाद नाराज होकर पायलट ने बगावत कर दी थी। बाद में आलाकमान के हस्तक्षेप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की सुलह के बाद पूरा मामला खत्म हो गया था। लेकिन 2 महीने बाद अब हुई इस घटना का असर कहां तक और कितना रहने वाला है और सचिन पायलट इस पर क्या एक्शन लेंगे, यह 1-2 दिन में सामने आ जाएगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।